एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक सनस्क्रीन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो पहले देख लेते हैं हम, तो ये देख लीजिए आप, ये लोटस हर्बल्स की सन सेफ सनस्क्रीन है और ये जेल सनस्क्रीन है। और ये दो तरीके की आती है, एक टिंटेड आती है और ये जेल बेस्ड आती है। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो मैंने ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन ली है। और सनस्क्रीन यूज़ करना समझ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी तो ज़्यादातर सबको पता ही होगा, अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं समर्स में तो आपको ब्लेमिशेज होने का चांस रहता है, आपकी स्किन डैमेज होने का चांस रहता है, टैनिंग हो जाती है बहुत अगर धूप में निकलते हैं आप विदाउट सनस्क्रीन। तो चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं पहले, और मैं बताऊँगी कि मेरी वाली स्किन पर ये कितना सूट करती है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग। ये देख लीजिए आप, लोटस हर्बल्स का सेफ सन यूवी सनस्क्रीन मैट लुक के साथ आता है। ये अल्ट्रा सूदिंग है, मैट लुक देता है आपको, ऑयल कंट्रोल करता है और PA++ UVA के साथ है ये, और SPF 50 के साथ आता है UVB के साथ। नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है ये। देख लेते हैं हम इधर, तो 315 रुपये की आती है ये सनस्क्रीन और 50 ml प्रोडक्ट आता है इसके अंदर और 2 साल की सेल्फ लाइफ के साथ आता है। जी हाँ, और इधर देखते लेते हैं तो क्या बोल रहे हैं ये, तो ये इस सनस्क्रीन को नॉन ऑयली बनाया गया है आपकी स्किन के लिए और ये आपके फेस को, नेक को और हैंड्स को क्लीन और फ्रेश लुक देता है। ओके, और सन से होने वाले सारे डैमेज को कंट्रोल करता है और ये आपकी स्किन के टैन को, सनबर्न को और प्री मैच्योर एजिंग को रोकता है। ओके, और यहाँ पे डायरेक्शंस पे देख लेते हैं क्या है। तो आप बहुत ही अच्छे से अप्लाई करें जो एक्सपोज पार्ट रहते हैं आपके, यानी कि हमारे फेस धूप में अगर हम निकलते हैं तो फेस, गर्दन और हाथ ही खुले रहते हैं, तो वहाँ अच्छे से अप्लाई करें आप। और अगर आपको बार बार धूप में निकलना पड़ता है तो हर 2 घंटे बाद आपको अप्लाई करना है इसको, क्योंकि 2 घंटे बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप हर 2 घंटे पर इसको अप्लाई करें जब तक आप धूप में हैं। तो चलिए और बता देती हूँ मैं आपको इसके विषय में। पहले मैं आपको इसको लगा के दिखा देती हूँ। मैं अभी बाहर ही निकलने वाली थी कुछ काम से, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो यूज़ कर रही हूँ मैं, तो इसकी रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ, वीडियो शूट कर लेती हूँ। चलिए पहले मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको। आप देख सकते हैं एक दो एक्ने निकल रहे हैं मुझे, तो पहले मैं यहाँ से आपको एक देख सकते हैं आप, जेल वेस्ट है एकदम ये, तो ये मैंने ले लिया और एकदम ना मैट लुक देती है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होती। तो ये बेस्ट है ऑयली स्किन वालों की, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एकदम ना मैट लुक देती है, ऐसा नहीं बहुत ड्राई कर देगी स्किन आपकी, एकदम मैट हो जाती है। देखिए सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है आपको और एकदम से स्किन में चली जाती है ये बहुत अच्छे से। तो मैं तो ये बोलूँगी ये कि स्किन वालों के लिए तो समर्स में बेस्ट सनस्क्रीन है ये, इससे बेस्ट सनस्क्रीन कोई हो ही नहीं सकती। और मैंने जितनी भी सनस्क्रीन यूज़ करी है सबसे ज़्यादा बेस्ट सनस्क्रीन है मेरी ये, तो मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगी इसको कि आप बिल्कुल इसको यूज कीजिए। और आप मेकअप वेस की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल अगर बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं, लेकिन जिन्होंने इसको यूज़ नहीं किया है तो आप एक बार इसको ट्राई करें और ये फेवरेट सनस्क्रीन हो जाएगी आपकी। मुझे तो इससे फेवरेट सनस्क्रीन अभी तक बेस्ट कोई मिली ही नहीं है, तो हाईली रिकमेंडेशन है मेरा इसके लिए। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।